मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड में कल कुल हिंद एहतजाजी मुशायरा हुआ, जिसमें कई मशहूर शायर और जेएनयू जामिया के स्टूडेंट भी आए। आपको बता दें कि इस मुशायरे का कुछ उलमाओं ने बायकाट भी किया था, मगर उसके बावजूद इस मुशायरे में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और ख़ास करके बड़ी संख्या में महिलाएँ भी शामिल थीं। इस एहतजाजी मुशायरे से इमरान प्रताप गढ़ी और कन्हैया कुमार सरकार पर CAA NRC NPR को लेकर विरोध जताया। जामिया जेएनयू में पुलिस द्वारा छात्रों की पिटाई पर पुलिस के कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए। RSS और BJP को इस कानून को देश में लागू करने का मकसद सिर्फ देश को बांटने वाला कानून बताया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोगों से इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार ने सरकार को किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट लोगों को न दिखाने की बात की। साथ ही कहा कि सरकार को कागज देखना है तो छात्रों की डिग्रियां देखे और उन्हें नौकरी दे। तो वहीं इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि अगर सरकार आपसे भारतीय होने के लिए आधार मांगे तो आप ताजमहल दिखा देना, अगर पैन कार्ड मांगे तो आप कुतुब मीनार दिखा देना, अगर आपसे आपकी जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए तो आप लाल किला और जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ दिखा देना। कि ये जो CAA NRC और NPR है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को नहीं बल्कि इस देश के तमाम गरीब आवाम को परेशान करने के लिए लाई गई है, इस बात को आप समझ लीजिए। और एक छोटा सा सूत्र है, माने इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वो सवाल नहीं है कि आप उसमें उलझ जाएं कि मुर्गी आया पहले कि अंडा। सीधा आप समझ लीजिए कि इनको CAA लाने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर इनको CAA 2019 में लाना था तो इन्होंने नागरिकता संशोधन कानून 2003 में क्यों पास किया। CAA इनको इसलिए लाना पड़ा कि जो पूरे देश में ये NRC करना चाहते हैं NPR के द्वारा, उसमें से हिंदू आबादी को यह कंफ्यूज किया जा सके कि तुम मत घबराओ, तुमको तो CAA के तहत नागरिकता दे देंगे। लेकिन यह समझ लीजिए कि नागरिकता दे देंगे ये मुंह से बोल रहे हैं, जैसे बोले थे कि 15 लाख रुपया आपके खाते में पहुंचा देंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे। इसकी समस्या क्या है उसको आप समझ लीजिए कि महज कागज के टुकड़े की गलती के चलते जिन लोगों ने, जिनके पुरखों ने अंग्रेजों से लड़ करके ये आज़ादी दिलाई, ये गणतंत्र बनाया, आज उनकी संतानों को उनके घरों से और उनके अधिकारों से बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। मैं आज आपको शायरी सुनाने नहीं आया हूं मेरे भाई, मैं आपसे यह कहने आया हूं कि मैंने सिर्फ लफ्जों में, मैंने सिर्फ अशआर में NRC और CAA की मुखालफत नहीं करी है। पिछले 45 दिनों से अपने माथे पर बांध करके लिख करके घूम रहा हूं कि हम तुम्हारी NRC को नहीं मानते, हम तुम्हारी CAA को नहीं मानते हैं। आधार कार्ड मांगेंगे, पैन कार्ड मांगेंगे, मैं तो ऐलान उनकी छाती पे खड़े होकर दिल्ली में कह रहा हूं कि अगर आपको हमारा आधार कार्ड चाहिए तो जाइए आगरा, देखिए ताजमहल, वो है हमारा आधार कार्ड। आपको हमारा पैन कार्ड देखना है तो जहां आप रहते हैं वहां से 2.5 किलोमीटर दूर खड़ा है कुतुब मीनार, वो है हमारा पैन कार्ड। अगर आपको जानना है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जाइए लाल किला खड़ा है, वो है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। और अगले मिसरे पे, अगली बात पे आपकी तालियां बजेंगी। वो कहते हैं कि बर्थ प्लेस बताओ, कहां पैदा हुए थे ये बताओ। नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, जहां आप रहते हैं वहां से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अब भी मौजूद है जामा मस्जिद की सीढ़ियां, वो है हमारा बर्थ प्लेस, वो है हमारा बर्थ प्लेस, जाइए वहां देख लीजिए। वहीं इस एहतजाजी मुशायरे में मुंब्रा कलवा के आमदार और कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अवहाड़ का शानदार तरीके से स्वागत किया गया। इस एहतजाजी मुशायरे से जितेंद्र अवहाड़ ने CAA NRC NPR पर, BJP और RSS पर निशाना साधा। कहा, इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास
घर नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, वो अपने पैदा होने के कागज कहाँ से लाएंगे। आज भारत में ऐसा वक्त आ गया है कि हमारी ही संविधान इस सरकार से खतरे में है, जिसके लिए आज देश एक होकर सरकार के खिलाफ खड़ा है, साथ ही अपने विरोधियों पर भी जितेंद्र भाट ने निशाना साधा। ये एहतजाजी मुशायरा जो है वो सी ए NRC और NRP के खिलाफ था। मैं याद दिलाना चाहता हूँ जो लोगों ने इसको विरोध किया था कि आपको हैदराबाद में हुआ दिखा, मैंने खुद ओवैसी साहब हैदराबाद के मुशायरे में गया था, वो नहीं दिखा आपको, लेकिन जितेंद्र अवार्ड मुशायरा कर रहा है ये बड़ा चुनता है कुछ 8-10 लोगों को यहाँ पे, मुझे पता नहीं है ये क्या है। अगर दुनिया देश में पहली बार CA NRC के खिलाफ पहला आंदोलन किसी ने किया होगा और हिटलर और मोदी का साथ साथ पुतला जलाया होगा तो वो जितेंद्र अवार्ड ने जलाया था और किसी ने नहीं जलाया। मैं आज कोई सियासती बात के कब तक मांगोगे मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट। 1947 में जब मोहम्मद अली जिन्हा ने हमारे सभी कौम के भाइयों को दावत दी थी कि चलो पाकिस्तान, तब लाल किले से अबुल कलम आजाद ने कहा था कि इस मिट्टी में जन्म लिया है, इस मिट्टी में ही दफन होंगे, हमारे भाई नहीं गए पाकिस्तान। और कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए देशभक्ति का? ये सिर्फ सियासती उल्लू है जो मोदी और अमित शाह सीधा करना चाहते। क्या हुआ असम में? हो हल्ले के साथ CAL आया गया, 19 लाख लोग पकड़े गए, उसमें से 15 लाख लोग हिंदू निकले। क्या करोगे उसका? अब जो हिंदू निकले वो तो लाड़ प्यार से रह रहे थे अपने भाइयों के साथ, अब आसाम में एक नया माहौल खराब हो गया कि जो आसाम के मूल निवासी है वो कहते हैं कि बांग्लादेशी हमें चाहिए ही नहीं। हिंदू में आपस में लड़ाई होने लगी, पूरा आसाम पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है। सुना आपने, इमरान प्रतापगढ़ी, कन्हैया कुमार और जितेंद्र अवार्ड ने CAA NRC NPR के खिलाफ जमकर BJP सरकार पर हमला किया है, साथ ही कहा है कि जब तक सरकार इस कानून को पीछे नहीं लेती है तब तक इसी तरह के एहतजाजी मुशायरे और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।